हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज फिर आपके सामने मैं, जैसे कि आपको दिख रहा है, लोरियल ब्रांड का शैम्पू और कंडीशनर का रिव्यू लेकर आई हूँ। लेकिन उससे पहले आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मैं अपने चैनल पर अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स, उनका रिव्यू, ऑनेस्ट रिव्यू आपके सामने लाती हूँ। जैसा उनका होता है, चाहे अच्छा है बेकार है, वो सब आपको ऑनेस्टली बताती हूँ। तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले, जैसे कि आप देख रहे हैं, लोरियल का कलर प्रोटेक्ट शैम्पू है ये। जो लोग अपने बालों में कलर करते हैं, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, प्रोटेक्ट मतलब ज़्यादा टाइम तक उनका कलर स्टे कर सके। और इसमें देखिए लिखा हुआ है, विद इनसीड लिनसीड ऑयल यूवीए यूवीबी फ़िल्टर्स। यूवीए यूवीबी फ़िल्टर्स का मतलब है जो सन रेज होती हैं, हार्म करती हैं आपके बालों को, कलर्ड हेयर को हार्म करती हैं। और जो घर के अंदर जो ब्लू लाइट्स वगैरह होती हैं, उनसे भी ये जो शैम्पू है आपके कलर्ड हेयर को प्रोटेक्ट करता है। तो ये फ्रंट से ये कुछ ऐसा दिखता है और ये बैक से कुछ ऐसा है। और ये आपको अंडर 250 में मिल जाता है। लेकिन एक बार और है, जैसे कि कलर करते हैं हेयर पर, वो काफ़ी टाइम तक, इसमें लिखा हुआ अप टू 30 वॉशिज तक आपका जो कलर है वो स्टे करता है। लेकिन जो आपके हेयर रूट से वाइट आते हैं, उनको तो आप चाहे कोई भी शैम्पू यूज़ कर लो, वो 15 डेज में आ ही जाते हैं। तो उसके लिए तो इतना ये कोई भी शैम्पू उतना बेनिफिशियल नहीं होता है। लेकिन जो रूट के अलावा, जैसे आजकल यंग बच्चे हैं और भी लोग हैं तरह तरह के कलर यूज़ करते हैं, तो उनके लिए कलर प्रोटेक्ट लोरियल पेरिस का ये शैम्पू अच्छा है, चीप भी है, अफोर्डेबल है, और ये अच्छा शैम्पू है। तो आप इसको ले सकते हैं अंडर 250 में। इसके बाद इसका ये कंडीशनर है लोरियल पेरिस का, ये देखिए इसके ऊपर भी सेम लिखा हुआ है, लिनसिड ऑयल यूवीए यूवीबी फिल्टर्स। इस पर लिखा हुआ है, नरिशेस प्रोजेक्ट्स एंड स्मूथेंस। तो ये आपके कलर हेयर, जैसे कि आजकल शैम्पू करने के बाद कंडीशनर लगाते हैं, बालों को कंडीशन करना भी बहुत ज़रूरी होता है, तो उसके बाद आप ये कलर्ड हेयर के लिए ये कंडीशनर यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए इसका MRP इस पर लिखा हुआ 229, लेकिन ये अराउंड आपको 210, 200, 215 पर ये मिल जाता है। एक कंडीशनर और है, ये भी लोरियल पेरिस का ही है, लोरियल पेरिस टोटल रिपेयर 5 रीस्टोरिंग कंडीशनर। इसमें लिखा हुआ है, जैसे कि डैमेज्ड हेयर है, फ्रीज हो जाते हैं, फ्रीजी हेयर होते हैं आपके, उनके लिए ये कंडीशनर आप यूज़ कर सकते हैं, टोटल रिपेयर 5। ये भी कोई इतना कॉस्टली नहीं है, इस पर भी ये देखिए लिखा हुआ है 219 लिखा हुआ है, तो आपको अराउंड 200 ये किसी भी शॉप पर मिल सकता है। ये इसके इंग्रेडिएंट्स हैं, और केमिकल तो आजकल हर शैम्पू और कंडीशनर में होता है, और लोरियल ब्रांड तो कौन नहीं जानता, हर कोई इस ब्रांड को जानता है। तो ये कंडीशनर आप यूज़ कर सकते हैं, अगर आपके फ्रीजी हेयर हैं, थोड़े बहुत डैमेज हेयर हैं, तो ये यूज़ कर सकते हैं। लेकिन एक बात और है, आप चाहे कोई भी शैम्पू यूज़ कर लें, कोई भी कंडीशनर यूज़ कर लें, उसके लिए उसके अलावा आपको ऑयलिंग करना भी बहुत ज़रूरी होता है। ये देखिए, आपको घर में भी कोई भी केयर ज़रूर करनी होती है, क्योंकि सब में ही आपको पता है कि केमिकल होता है, और जितना ज़्यादा हम केमिकल यूज़ करते हैं वो हार्मफुल ही होता है। इसीलिए हमें अपने बालों की घर पर भी अच्छे से देखभाल करनी चाहिए, ताकि वो नेचुरली भी ब्यूटीफुल दिखें। अगर आपको मेरा रिव्यू पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।